बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं एहसन शाह, आप भी सब सोचते होंगे कि मैं बहुत ही काफ़ी दिनों बाद मतलब एक वीडियो बनाता हूँ, पर मैं मतलब रोज़ बना नहीं सकता। एक तो यार थोड़ा टाइम का बड़ा इशू होता है, और दूसरा ये है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, मैं तब बनाता हूँ जब मुझे लगता है कि अब वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं असल में आज भी आपसे ये बात करना चाह रहा था कि मैं जो ये आजकल रिलेशनशिप्स हैं, जो इनके हवाले से जो ना मैं थोड़ा बात करना चाह रहा था कि आजकल आपने देखा है कि किस तरह लोग फेक रिलेशन बना रहे हैं, और ऑलमोस्ट हर लड़का दो लड़कियों के साथ चल रहा है, और लड़कियां भी दो दो लड़कों के साथ चल रही हैं। भाई यहाँ मार्केट बड़ी अजीब सी आई है, तो आप सब एहतियात करें इन सब चीज़ों से। अभी क्या होता है कि अभी जो लड़कियां, आपकी किसी के साथ दोस्ती भी होती है, तो लड़की जिस लड़की ने आपको गंदा करना होता है, वो आप पे इल्ज़ाम लगा के कि तुम नहीं, तुम उसके साथ गंदे हो, और वो छोड़ देती है आपको या आपको गंदा करती है। और लड़के भी ऑलमोस्ट इसी तरह करते हैं, लड़की पे इल्ज़ाम लगा के गंद करके उसको छोड़ देते हैं। दर हकीकत वो आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं, आप समझ नहीं पा रहे होते हैं। अब इस बात पे मुझे गर्मी भी लगने लगी है, मैं इसी भी तेज़ कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आजकल आप यकीन करें कि आप दोस्ती बना लें किसी से, पर रिलेशनशिप में ना आए, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत बड़ा कुतखन है। इंसान इसमें जलील होता है, अपनी इज्जत गवाता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, यकीन करें, अभी आप किसी लड़के को दोस्त बना लें, वो अभी आप उसे अपने दिल की बात करें, वो आपको जलील कर देगा। अगले 10 मिनट बाद आपको कोई और दोस्त फोन करेगा, वो कहेगा कि यार तूने तेरे साथ सुना ये हुआ है। अभी किसी लड़की को आप दोस्त बना लें, आप यकीन करो कि मेरी लड़की इतनी अच्छी दोस्त है, मैं उनसे कोई बात करूँ ना, मैंने कभी नहीं सुना कि वो बात करे। आजकल लड़का लड़कियों की जो दोस्ती है वो सबसे अच्छी है, रिलेशनशिप को तो छोड़ ही देना, उसका तो नाम ही ना लें। और ये आप जो अपना ये आजकल जो ये लोंडे लपाटे आए हुए हैं, ये जो अपना झूठे प्यार के दावे करके, असल में पहला क्या है, जिस लड़की को आप, लड़के क्या करते हैं, आप जिस लड़की को पार्टी, जिसकी कमजोरी है, जिसने पार्टी करनी है, लड़के उसको उस तरफ ले जाएंगे नशे करा। देखो जो आपको नशे करा रहा है, जो आपको पार्टीज करा रहा है, जो आपको गलत जगह पे लेके जा रहा है, वो कभी आपसे शादी नहीं करेगा, आपसे निकाह नहीं करेगा। आपको ड्रामा, जो वो कैसे आपसे निकाह करेगा, जो आपको शराब पिला रहा है, जो आपको पार्टीज में लेके जा रहा है, वो तो आपसे प्यार करता ही नहीं है, वो तो आपसे शादी कर ही सकता, वो तो आपको फॉर द टाइम यूज कर रहा है बस। तो इसलिए ये उन लड़कियों के लिए भी मैसेज है, वो लड़कियां भी इस बात को समझें, वो लड़कों के हाथों, असल में कुछ लड़कियों का भी मसला है, उनको लड़के कहते हैं कि घर बैठ जाओ, तो वो समझते हैं कि ये लड़का मुझे बेकार कर रहा है, घर बिठा के मुझे मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। दरहकीकत वो तुम लोगों को इज्जत देना चाहता है, जो तुम लोगों को इज्जत रास नहीं आ रही, असल में वो तुम्हें देना चाहता है इज्जत, पर तुम लेना नहीं चाह रही। वो अगर तुम्हें लेके जाएगा पार्टीज में, वो तुम्हें नशे कराएगा, वो तुम्हें उससे प्यार है, वो अच्छा है, वो सच्चा है, भाई यही बाद में क्या होता है, ऐसी लड़कियां रो रही होती हैं नशे करके, फिर कहीं कहीं पड़ी होती है, कभी कहीं पड़ी होती है। इसलिए आप सबसे, लड़कियों से, लड़कों से गुजारिश है कि ऐसे जो ताल्लुकात बनाने से अच्छा है अच्छी दोस्तियां बनाएं, और अच्छा खाए पिए, घूमें फिरें, और ये नशों से अवॉइड करें, और ऐसे लोगों से भी अवॉइड करें। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि आखिर मौत है, तो आखिर मौत जो है ना वो सबको ही आनी है, तो इसलिए एहतियात करें। अल्लाह हाफिज़।